गेट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी डीबीएमएस से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डीबीएमएस और भी इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में हर साल बनते हैं। तो मेनली जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम इनके इनके जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से एलिबरेट करेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे, रीज़न को समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, देखिए टू गेट 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इसमें हमें ट्रू बताना है, ट्रू क्या है। तो हम सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, फिर इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखो ऑप्शन वन क्या कह रहा है, एवरी रिलेशन इन 2NF इज ऑल्सो इन BCNF। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर टू, देखो हमें ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। देखो हमें इनकी क्रोनोलॉजी को हमें समझना है। हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF, ये इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में ये प्रॉपर्टी होती है, इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट। मीन्स वन में होगा तभी वो टू में होगा। मीन्स टू में होने के लिए उसको वन में होना ज़रूरी है, थ्री में होने के लिए वन में होना ज़रूरी है, बी में होने के लिए थ्री में होना ज़रूरी है, एंड सो ऑन। इस तरह से इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट होती है, इसको ध्यान रखना होता है। तो स्टेटमेंट को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जो क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एवरी रिलेशन इन 2NF इज ऑल्सो इन BCNF, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो जो रिलेशन 2NF में है तो क्या उस जरूरी है कि वो BCNF में हो? नहीं भाई, वो हो सकता है वो 3NF में ना हो। तो 3NF में नहीं होगा तो BCNF में हम गारंटी से नहीं कह सकते इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर वन जो है हमारा पूरी तरह से ठीक नहीं है। कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें फैक्ट पे जाना है। ऑप्शन टू पढ़ते हैं, ए रिलेशन आर इज इन 3NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ आर इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑफ आर। तो देखो ये जो स्टेटमेंट, अगर आप ध्यान दो तो ये स्टेटमेंट नॉर्मल, कौन सी नॉर्मल फॉर्म का है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का स्टेटमेंट है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये कहा जाता है कि जितने भी हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं वो की एट्रीब्यूट के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी वहाँ पर चेक किया थी कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये 2NF का है। ठीक है, तो लेकिन ये तो 3NF बता रहा है इसको। ठीक है, तो ये 3NF वाला, ये वाला दूसरा वाला भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। इट मीन्स कि हमारा पहला ऑप्शन, हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो भी गलत हो रहा है, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ठीक है, और दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर वन का सी ऑप्शन पढ़ते हैं, एवरी रिलेशन इन BCNF इज ऑल्सो इन 3NF। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक हो सकता है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा ठीक हो सकता है। ये क्या कह रहा है, 3NF जो रिलेशन BCNF में है तो वो 3NF में भी होगा। मीन्स 3NF में होगा तभी तो फिर BCNF में आगे जाएगा वो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है BCNF में है तो वो 3NF में भी होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमें ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन 3 में यहाँ पर ठीक लग रहे हैं। अभी हम फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, नो रिलेशन कैन बी इन बोथ BCNF एंड 3NF। तो देखो क्या ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा रिलेशन है कि वो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो BCNF और 3NF दोनों में ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कोई एक रिलेशन वो BCNF में भी हो सकता है और 3NF में भी हो सकता है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई रिलेशन BCNF में भी हो सकता है और 3NF में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक रिलेशन तो ये तो है ही, क्योंकि जो 3NF में होगा तभी तो वो BCNF में होगा। तो जब वो BCNF में आ गया तो 3NF में भी होगा, इसका मतलब दोनों में आ गया। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो रहा है। तो हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर थ्री। मीन्स कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू। तो इसमें कहा है कि एवरी रिलेशन इन BCNF इज ऑल्सो इन 3NF, जो रिलेशन BCNF में है वो 3NF में भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन का हमारा सी ऑप्शन ठीक हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, गिविन द रिलेशन। देखो इस तरह क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये देखो गेट, ये भी गेट का क्वेश्चन है। गिविन द रिलेशंस, ये दे रखा रिलेशन, इसमें आपको एक रिलेशन दिया गया, एक टेबल दी गई है एम्प्लॉई, उसके कुछ कॉलम्स हैं नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ओके, दूसरा टेबल आपको दिया गया डिपार्टमेंट, इसमें कॉलम दिए गए हैं डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एड्रेस। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द बेसिक रिलेशनल एल्जेब्रा
ऑपरेशंस। तो देखो इनमें से कौन सा, जो ये चारों में से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है, कौन सा ऐसा क्वेरी है जो कि इन छह बेसिक फंडामेंटल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस को यूज़ करके परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, जो हमारी रिलेशनल अलजेब्रा होती है उसके अंदर दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस और एक होते हैं एक्सटेंडेड ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस ये छह हैं, इन छह को हम फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसमें होता है यूनियन, ठीक है। ये देखो देख लीजिए, ये एक यूनियन होता है, इसमें फिर उसका सेट डिफरेंस होता है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, फिर ये प्रोजेक्शन होता है इसको पाई बोलते हैं, फिर सिग्मा होता है, ठीक है, सिग्मा होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेचुरल जॉइन होता है।